रजा तुम अंदर क्यों नहीं आए? मैं अभी इन्हें अपने पास नहीं रख सकती। जो चीजें मेरी नहीं है वो मैं कैसे ले सकता हूँ? साहिर, घर में आईने उस वक्त अच्छे लगते हैं जब उनमें कोई अपना अक्स देखने वाला हो। खाली घरों में कोई आईने नहीं सजाया करता। प्लीज ये तुम वापस ले लो। लेकिन मैं तो अब भी इस घर में मौजूद हूँ। इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जहां तक साथ चलनी है हमें वहीं तक चलना था। प्लीज प्लीज कीप देम। ये सब ईंटें तुम्हारे घर की हैं जो हम दोनों मिलके बना रहे थे। मैं इन्हें नहीं ले सकता। तुम खाली मैदान को घर समझ रहे हो। अब कुछ नहीं रहा, ना घर, ना ख्वाब, नथिंग। उस घर में सिर्फ ये सामान नहीं था निदा, और भी बहुत कुछ था। जहां तुमने सामान फेंका है ना, ये सामान भी फेंका। बातें दिल की, बातें दिल की, बातें दिल की, बातें दिल की। चाहत के रस्ते नए अनछुई रुत के मजे रंगी हुई है फिजा हंस जाएगा। मैं उसने कहा जाना है? आज तक तो वो इतना लेट कभी नहीं हुआ बेटा। तो गया होगा किसी दोस्त की तरफ। उसकी लाइब्रेरी का नंबर भी मुसलसल लिए जा रहा है। पता करो जाके। अभी उसको मैं कहाँ ढूंढूंगा इस वक्त? आ जाएगा अभी। आप खामखा परेशान हो रही है। अगर तुम नहीं जाते ना तो मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे परेशानी हो रही है इतनी। अच्छा मैं जाता हूँ। हाँ चलो। बड़ी देर तक बैठे?
और मैं ही तो सजाद बैठा रहा। आई डैम केयर, अम्मी परेशान है अपने लाडले के लिए। मैं आ जाऊंगा। कहा तो तू जाएगा ही, ये माहौल इतना उदास क्यों बनाया? थी मेरा जाती मामला। मेरे मामला तो तेरी टांग हर वक्त खड़ी रहती है, अब तेरा जाती मामला हो गया है? सुहेल प्लीज, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहता, और जाके अम्मी से कह दे कि मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगा। आंटी जरा मैं शॉपिंग के लिए जा रही थी, मुझे कुछ मिलना है अपनी फ्रेंड से। अच्छा आओ। मिलता बेटा, तुम्हें तो शायद पता भी नहीं होगा, किसी ने बताया भी नहीं होगा कि तुम्हारा आधा बचपन मेरी गोदों में कटा है। मुझे मालूम है आंटी, इसी वजह से, शायद इसी वजह से तुमने वो कुछ नहीं किया जो तुम करना चाहते हो, लेकिन तुमने जो नहीं किया ना उसे मैं यहाँ अपने अंदर महसूस करती हूँ। मुझे मालूम है निदा, रोहिल ने जो कुछ किया वापिस काबिल नहीं है, लेकिन शायद इसमें रोहिल का कोई कसूर नहीं था। कसूर तो मेरा है, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई, इसीलिए मैं लोगों से मुंह छुपा देती हूँ। आगे जब उन्हें चाहते ना बेटा, तो उन्हें गिरा लगा के जोड़ दिया जाता है, लेकिन हम लोग उस गिरा को सामने नहीं रखते। शायद यही कुछ होता है, मैं ना तमाशे में शामिल थी ना तमाशाई थी, लेकिन आज मैं खुद को एक तमाशा महसूस कर रही हूँ। मुझे पता है बेटा तुम खामोश रहो, कुछ भी नहीं कहोगे, लेकिन मैं कुछ भी कर लूँ बेटा, कुछ भी कर लूँ, उस चीज का मलावा नहीं हो सकता जो रहील ने तुम लोगों के साथ। पता नहीं बेटा क्या कहना चाहती हूँ, क्या कह रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे जैसे सारे पास कहीं खो गए हैं, जैसे जैसे मेरी जबान ने बोलना सीखा ही ना। शायद मैं सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का कर रही हूँ। आंटी, बाज़ुकात इंसान तोड़ कुछ और रहा होता है, लेकिन टूट कुछ और जाता है।
सुहेल ने तो बाकी कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं। एक चीज अब भी बाकी है मेरा, जो न टूटी है न टूट सकती है, तुम और साहिल। आंटी मैं चलती हूँ, आई हैव टू गो समवेयर। एक बात याद रखो बेटा, मोहब्बत खत्म तो कर सकती है, खुद कभी खत्म नहीं होती। आपको अहमद से फौरी तौर पे बात कर लेनी चाहिए। क्या बात करूं मैं उससे? यही कि वो अनीशा को उस गलती के लिए माफ कर दे जो उसने की नहीं। इसे मुझे बहुत अजीब लगता है ये सोचकर कि आपकी ये अना रोहेल के बारे में कहा जा चुकी है, हालांकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सांप दोबारा हमारे घर से लिपट चुका है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन क्या इसमें सारी गलती रोहेल ही की है? वैसे पता नहीं उस स्कूल टीचर ने अपने बच्चों की तरबियत कैसी की है, हालांकि सारी जिंदगी वो दूसरों के बच्चों को तालीम देती रही और खुद उसके अपने घर में। दो सवाल हो गए, तुमने तो कहा था एक सवाल। तुमने कभी ये सोचा है कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, हो सकता है ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हो रहा हो? आई मीन रोहेल तो एक इफेक्ट है, हो सकता है इसका कॉज कुछ और हो। करीम आपकी तबीयत तो ठीक है ना, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसने हमारे घर का सुकून तबाह बर्बाद करके रख दिया है, सारे शहर में हमारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रहा है वो, और आप कॉज एंड इफेक्ट की वजाहत किए जा रहे हैं। नहीं बेगम, ये तो एक इमीडिएट रियलिटी है ना? ये भी तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा सच हो जो आसमान की तरफ फेंका गया हो और कुछ देर तक आसमान में रहने के बाद अब हमारी तरफ वापस आ रहा हो।
मैं आपसे क्या बात पूछ रही हूँ, आप मुझे क्या जवाब दे रहे हैं, करीम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लॉ ऑफ रिवर्जन के बारे में जानती हो? लॉ एंड रिवर्जन क्या चीज है ये? नई बेगम इसे सादी जबान में मकाफात अमल कहते हैं। बाज़ दफा इसका दायरा बहुत फैल जाता है, बहुत बड़ा होता है, जिसमें हम ये भूल चुके होते हैं कि हमने क्या किया है, और फिर जब वो हमारे अमाल हमारी तरफ वापस लौटते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ये क्या है। इसी वक्त मैं और तुम हैरान हो। यू मीन रोहेल जो कुछ हमारे साथ कर रहा है वो हमारे ही किसी अमल की सजा है, यही ना? शायद। करीम आप अपने आप पर ही नहीं बल्कि मुझ पर भी इल्जाम दे रहे हैं। नहीं नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ किसी को, मैं तो सिर्फ सुकून का एक लम्हा ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। सुकून क्या इस तरह से ढूंढा जाता है कि आदमी बिना किसी जुर्म किए अपने आप को कटहरे में लाके खड़ा कर ले? ऐसा नहीं है नाई बेगम, जब हमें किसी बात की वजह पता चलती है तो सुकून आ जाता है, और ये जिसे हम बेसुकूनी कहते हैं ये वजह तलाश करने की जो मुद्दत होती है उसकी वजह से। रोको रोको रोको, ख्याल है मैं अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा हिस्से को भूला नहीं हूँ, जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने तो कभी किसी शख्स से सब्ज पत्ते को भी नहीं तोड़ा। मैं जाने क्यों हो रहा है ये सब कुछ। करीम जहां तक मुझे याद पड़ता है हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हमने एक इंतहाई घटिया खानदान के लोगों को अपने घर आने की इजाज़त दी। याद करें मैं आपको शुरू में रोका करती थी ना कि प्लीज़ इन लोगों को घर से दूर रखें, लेकिन आपको तो उन लोगों को देखकर अपने मरहूम दोस्त की मोहब्बत याद आ जाया करती थी।
नहीं बेगम, जब इंसान अपने घर की खिड़कियां हवा के झोंकों के लिए खोलता है तो वो ये भूल जाता है कि हवा के झोंकों के साथ धूल भी अंदर आती है। अब हमारी इन बातों से मसला तो हल होगा नहीं करीम, आपको फौरी तौर पर इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप एसपी को फोन करके उस बदमाश को फौरन अरेस्ट करा दें, उसको भी पता तो चले कि दूसरों की दीवारें फलांगने का अंजाम क्या होता है। ये उस मसले का हल नहीं है। इस तरह से तो वो बातें जो अब तक हमारे घर की चार दीवारी में बंद थी लोगों के कानों तक पहुंच जाएंगे। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसे वो सब कुछ करने दें जो वो कर रहा है, बल्कि वो घर आए तो उसे ये कहें कि आइए तशरीफ लाइए और उड़ाइए हमारी इज्जत की धूल। क्या हो गया आपको? तुमने कभी ये भी सोचा है कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें अनीशा का कितना कसूर है? वो एक बड़ी लड़की है, मैरिड, उसको पता होना चाहिए कि क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। अनाय बेगम, हम इसलिए कमजोर नहीं है कि हम लड़कियों के वालदैन हैं। हमारी कमजोरी हमारी लड़कियों की गलतियां हैं। मैं निकालता हूं इससे, इस मसले का भी कोई हल निकालता हूं। इसे एक बात याद रखिएगा, हमें अपने दामन में पड़े हुए धब्बों को देखने के बजाय दूसरों के दामन पर पड़े हुए धब्बों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। आजकल तो मैं अनीशा से शादी कर रहा हूं।
होश में हूं मैं, ये मेरे अकेले का नहीं, अनीसा का भी यही फैसला है। तुझे पता भी है तू क्या बक रहा है? आपने मेरी हर बात पे इतराज किया, और इसलिए भी कि तूने हमेशा मुझे दुखी दिए। दुखी? शादी करने में कौन सी ऐसी अजीब बात है? शादी तेरा मसला है ना, तो मैं आज तेरी शादी करा देती। करीम साहब, वैसे अम्मी आप उनका इतना एहतराम क्यों करती हैं? इसलिए कि वो तेरे बाप के बेहतरीन दोस्त हैं। बेहतरीन दोस्त या चालाक दुश्मन? रोहेल, वो मेरे बाप की वजह से आज करोड़पति बना हुआ है। पागल हो गया तू? पता नहीं किसने ये फजूल किस्म की बातें तेरे दिमाग में डाल दी। सच्ची बातें हमेशा फजूली लगती है। मैं अनीसा से शादी कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ उसके घर रिश्ता लेने। अगर आपने चलना है तो आप मेरे साथ चले, वरना मैं अकेला जा रहा हूँ। बकवास बंद कर कमीने। रुक जा रोहित, कदम बढ़ाने से पहले सोच ले। अगर तूने इस रास्ते पे जाने का फैसला कर लिया तो दोबारा इस घर में कदम मत करना। मुझे तुम्हारे यहाँ आने पर उतनी ही हैरत हो रही है जितनी हिम्मत शायद तुम्हें यहाँ आने के लिए करनी पड़ी होगी। वैसे भी तुम्हें सीधे रास्तों से आने की आदत नहीं है, इसलिए मेरी हैरत ज्यादा हो गई है। मैं अनीसा से मिलने आया। खबरदार, अगर मेरी बच्ची का नाम भी तुम्हारी जबान पर आया तो। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तुम बहादुर इसलिए हो कि तुम बुजदिलों बेवकूफ हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें मैं उस वक्त से जानता हूं जब तुम छोटे से थे और तुम्हें कोयले और खजूर का फर्क नहीं मालूम था। उस वक्त तुम्हें खिलौने वही पसंद आते थे जो दूसरों के पास होते थे। बचपन से लेकर अब तक तुम कुछ नहीं सीख सके। अनीसा, तुम इन्हें बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। इन्हें बताओ कि हम दोनों। अनीसा, why don't you tell them? अनीसा, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना।
क्या कहेंगी, अब्बू क्या कहेंगे, फंसे रहना सारी जिंदगी इसी तरह फंसे रहना। मैं जा रहा हूं और कोई भी रोहित बनना चाहे तो वो कभी भी नहीं बन सकता। मैं बता रहा हूं on a cold winter night, two poor woodcutters were making their way home through the forest. As they walked, a strange thing happened. There fell from heaven a very bright and beautiful star and it sank behind the trees. पूछता